नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज हमारी जो वीडियो बनने वाली है वो वीडियो बनने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ को लेकर। आपको दोस्तों बहुत दिन से इंतजार था, आपने सबने दोस्तों वोटिंग भी करी होगी और बार बार कमेंट कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ की वीडियो कब आएगी। तो आज आपका दोस्तों जो आप सपना था ना, एक यूं मान लो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आज आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप के ऊपर दोस्तों, जो मैंने पोल करवाया था उनके आंकड़े आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने सब कुछ चीजें सामने रख दी है और आपको बता रहा हूं जो कट ऑफ बताऊंगा ना उतनी ही कट ऑफ रहेगी। इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, जो बता रहा हूं कट ऑफ इतनी ही रहेगी। सबको दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। सबको ध्यान में रखूंगा किसके दोस्तों कितने नंबर है, मैंने वोटिंग करवाई थी उसको ध्यान में रखूंगा, कितने बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, और फर्जीवाड़ा, ठीक है, फर्जीवाड़े को भी ध्यान में रखूंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितना फर्जीवाड़ा चला है। मैं नहीं बोल रहा, खुद दिल्ली पुलिस बोल रही है कि एक ही बच्चे की तीन तीन एडमिट कार्ड पर फोटो, इसके अलावा अभी तक 10 से 11 केस भी दर्ज हो चुके हैं। सभी को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक जरूर देखना, ठीक है। यदि आपकी बार सिलेक्शन लेना चाहते हो और दोस्तों पैरों पर खिलाड़ी नहीं मारना चाहते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। अब मैं चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और दोस्तों कोई भी डाउट हो दिल्ली पुलिस से संबंधित या एसएससी जीडी के, आपको सबको पता होगा वैकेंसी आ चुकी है, किसी भी वैकेंसी संबंधित कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, जिससे सबसे पहले आपको रिप्लाई मिल सके। अब मैं लेके चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों मैं आपको जो भी बताऊंगा ना वो आप फेवरी समझ रहे हैं, उसके बाद में हम आपको कट ऑफ बताएंगे। आपको दोस्तों क्या बात है ध्यान रखनी, ध्यान से सुन लेना, अब की बार पीजी काल में कितनी प्रतिशत उपस्थिति हो रही है, इन बातों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अब की बार कितने प्रतिशत बच्चे फिजिकल के लिए उपस्थित हो रहे हैं। लगभग दोस्तों 65 से 70% ही उपस्थिति है, ठीक है। कोई दिन दोस्तों 60 पे भी रह जाती है, कोई दिन ये उपस्थिति 66-67 पे पहुंच जाती है, कोई दिन 70 पे पहुंच जाती है, लेकिन जो हम लेंगे ना वो 70% लेंगे। तो आपको बता दूं कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हो रहे हैं फिजिकल के लिए, लगभग दोस्तों 65 से 70% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं फिजिकल देने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों जो बैच दौड़ाया जा रहा है उसमें से कितने बच्चे पास हो रहे हैं, लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं 50 में से कभी 19, कभी 20, कभी 33 तक भी पहुंच जाता है, कभी आंकड़ा 8-9 भी आ जाता है, कभी 22-23 में, हम कह सकते हैं लगभग दोस्तों 25 से 30% बच्चे पास हो रहे हैं। ध्यान रखना कितने उपस्थित हो रहे हैं, 65 से 70% बच्चे फिजिकल के लिए उपस्थित हो रहे हैं, उसमें से 25 से 30% बच्चे पास भी हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों टोटल कितने, मैं मेल की बात कर रहा हूं, आज की कट ऑफ सिर्फ मेल की है दोस्तों, फीमेल की अलग से कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। तो आपको बता दूं टोटल अब की बार फिजिकल में कितने मेल को बुलाया गया है, कितने पुरुषों को बुलाया गया है, लगभग दोस्तों 44,664 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। ध्यान से वापिस से सुन लेना, कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, लगभग 44,664 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे बच्चे उपस्थित हो जाएंगे फिजिकल देने, नहीं, लगभग दोस्तों 65 से 70% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन अपन 65% नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे 70% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। तो यदि हम 44,664 का 70% निकालते हैं तो लगभग दोस्तों कितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, 31,265 बच्चे उपस्थित होंगे, ठीक है। कितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, 31,265, ठीक है। फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया है, लगभग दोस्तों 44,664 को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, 70% ही बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। तो हम यदि 44,664 का 70%
निकालते हैं तो हमारे पास आंकड़ा क्या आता है, उपस्थिति आती है 31,265। कितने बच्चे फिजिकल के लिए उपस्थित होंगे, 31,265 ही बच्चे फिजिकल के लिए उपस्थित होंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं बता दूं, आपको सबको पता होगा फिजिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, लगभग दोस्तों 25-30% ही बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं। कोई दिन आंकड़ा दोस्तों 30 पे पहुंच जाता है, कोई दिन आंकड़ा और थोड़ा नीचे आ जाता है, लेकिन हम दोस्तों लगभग लेके चलते हैं 30% तो कम से कम बच्चे फिजिकल में आराम से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं फिजिकल में पास हो रहे हैं 25-30%। यदि हम 31,265 जो उपस्थित बच्चे होंगे उनका यदि हम दोस्तों 30% निकालते हैं तो लगभग कितने बच्चे फिजिकल में पास होंगे, लगभग दोस्तों 9,380, लगभग 9,380 बच्चे फिजिकल में पास होंगे। ध्यान से सुन लेना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, 31,265 में से कितने बच्चे फिजिकल में पास होंगे, बच्चे पास होंगे लगभग 9,380, हम कह सकते हैं लगभग 9,300 बच्चे फिजिकल में आराम से पास होंगे। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, कितने बच्चे पास होंगे फिजिकल में, 9,379। ठीक है, अब यदि दोस्तों हम टोटल वैकेंसी के ऊपर जाते हैं कि मेल की टोटल वैकेंसी कितनी है, फीमेल की बात नहीं कर रहा, मेल की बात कर रहा हूं, टोटल वैकेंसी है 3,902। कितनी है दोस्तों, 3,902 टोटल वैकेंसी है। और यदि दोस्तों आपको कितना बताया मैंने फिजिकल में कितने बच्चे पास होंगे, 9,379, यदि हम दोस्तों 9,379 में से 3,902 को घटाते हैं तो कितने आते हैं, 5,473। और हम दोस्तों यदि कंपटीशन निकालते हैं एक सीट पर कितने बच्चे का कंपटीशन है तो लगभग दोस्तों 2.80 आएगा, लेकिन हम बच्चों को काट तो नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं लगभग दोस्तों एक सीट पर 3 बच्चों का कंपटीशन है। ध्यान से सुन लेना, एक सीट पर 3 बच्चों का कंपटीशन है जो फिजिकल में पास हो जाएंगे दोस्तों, जो फाइनल मेरिट के लिए जाएंगे, एक सीट पर 3 बच्चों का कंपटीशन है, तो हम कह सकते हैं कंपटीशन तो है, मतलब कि फाइनल कट ऑफ तो बढ़ेगी। ध्यान से सुन लेना, फाइनल कट ऑफ तो बढ़ेगी, कितने बच्चों का कंपटीशन है, एक सीट पर 3 बच्चों का कंपटीशन है। ये सब कुछ बातें आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी, ध्यान से सुन लेना, सब कुछ समझ में आ गई होंगी। अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों जो मैंने वोटिंग करवाई थी उसकी तरफ लेकर चलता हूं। तो पहले तो मैं आपको नंबर बता देता हूं, यहां पर देखो दोस्तों ये सभी आपको नंबर दिख रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस में किसी के 61 है, किसी के 62 है, किसी के 75 है, किसी के 65 है, किसी के कितने है, किसी के कितने है, आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, ये दोस्तों नंबर है जो बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया है ना, वो इनके नंबर है, आप देख सकते हो। ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो है दोस्तों 55 से 65 के बीच में, आप खुद ही देख सकते हो कितना स्कोर है, 55 से 65 के बीच में स्कोर है। अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों कि जो बच्चों ने वोटिंग करी थी उसमें कितने कितने प्रतिशत बच्चों के नंबर है, तो आपको यहां पर दोस्तों स्क्रीनशॉट में लगा दिया, दिख रहा होगा 70% बच्चे, 24% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70+ है, ध्यान से सुन लेना कितना है, 70+ है, और 20% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 66 से 70 के बीच में है। ठीक है, और 60 से 65 के बीच में 35% बच्चों का स्कोर कितना है दोस्तों, 60 से 65 के बीच में, और 21% बच्चों का स्कोर है 50 से 60 के बीच में, 50 से 59 के बीच में। कितने बच्चों ने वोटिंग किया, लगभग दोस्तों कह सकते हैं 3,000 बच्चों ने वोटिंग किया। कितने बच्चों ने दोस्तों, 3,000 बच्चों ने, ये वो बच्चे हैं दोस्तों जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया, ध्यान से सुन लेना, पास कर लिया, और मेल, मैंने साफ बोल दिया था फीमेल को वोटिंग नहीं करनी, तो इसमें फीमेल ने वोटिंग नहीं की। लेकिन दोस्तों आपको ये आंकड़े को देखकर नहीं घबराना है, 70+ 24% बच्चे, ये दोस्तों वो भी बच्चे हैं जो ज्यादातर झूठ बोलते हैं, मैं भी मानता हूं दोस्तों आधे से ज्यादा झूठ बोलते हैं, और वो क्या करते हैं 70% पर वोटिंग कर देते हैं, तो हम मान सकते हैं ज्यादातर बच्चों को जो स्कोर निकल के आया वो निकल के आया है 55 से 65 के बीच में। ठीक है, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा 60 से 65 के बीच में 35% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर है 60 से 65 के बीच में, मतलब कि हम कह सकते हैं ज्यादातर बच्चों को जो स्कोर है ना वो है 55 से 65 के बीच में। ठीक है दोस्तों, आपको सबको पता चल गया होगा। ठीक है, मैंने वोटिंग करवाई थी उसके आंकड़े आपके सामने रख दिए, ज्यादातर बच्चों का स्कोर है 55 से 65 के बीच में, मतलब कि हम कह सकते हैं कट ऑफ तो ज्यादा यहां पर तो नहीं बढ़ रही। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना, जो फर्जीवाड़ा चला है ना उसकी न्यूज मैं आपको बता देता हूं।
वो उसके कारण दोस्तों आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। ध्यान से सुन लेना, जो कट ऑफ बढ़ेगी ना दिल्ली पुलिस में जो फर्जीवाड़ा हुआ है ना, कट ऑफ उस पर ही बढ़ेगी, उसके कारण ही बढ़ेगी। ध्यान से सुन लेना, बच्चे फिजिकल में पास नहीं हो रहे, यहाँ पर तो कंपटीशन एक सीट पर तीन ही बच्चों का है, लेकिन कट ऑफ बढ़ेगी, वो बढ़ेगी फर्जीवाड़े के कारण। मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, खुद दिल्ली पुलिस ने बताया है कि एक ही बच्चे की फोटो तीन तीन एडमिट कार्ड के ऊपर, आपने अखबार में पढ़ लिया होगा कि अब तक कितने बच्चों पे केस हो चुका है, 10 से 11 बच्चों पे केस दर्ज हो चुका है। किस कारण से? फर्जीवाड़ा किया है उन्होंने। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ध्यान से सुन लेना, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, फर्जीवाड़ा, इसके अलावा दोस्तों कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए, और जो मैंने वोटिंग करवाई थी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं लेके चलता हूं कट ऑफ के ऊपर, आखिर कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कट ऑफ के ऊपर। तो दिल थाम के बैठे, आपके सामने कट ऑफ उपस्थित हो रही है, आपको कट ऑफ की ओर लेके जा रहा हूं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर, जिसका आपको इंतजार था, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब मैं लेके चलता हूं फाइनल कट ऑफ के ऊपर कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। सभी कैटेगरी की बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेल की, फीमेल की वीडियो अलग आने वाली है। और दोस्तों जो आपको बताऊंगा ना, लगभग कट ऑफ उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा या कम नहीं रहेगी। वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना दोस्तों, जो बता रहा हूं कट ऑफ उतनी ही रहेगी। सभी दोस्तों मैंने मुद्दों को आपके सामने रख दिया, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो तो इसी चैनल पर एसएससी जीडी की तैयारी भी अब दोस्तों लाइव क्लास दी जाएगी, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कट ऑफ क्या रह सकती है। पहले मैं उठा ले दोस्तों जनरल कैटेगरी की, ध्यान से सुन लेना, जनरल कैटेगरी मेल की बात कर रहा हूं, जिसके भी 65 से और 68 के बीच में नंबर है, ध्यान से सुन लेना, जिसके भी 65 से और 68 के बीच में नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि उसका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरे चांस है, जिसके भी 65 से 68 नंबर है, ठीक है। जनरल कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अब ऐसे भी नहीं है कि 65 ही जाएगी दोस्तों, मैंने 65 से 68 बताई है, यहां पर दोस्तों 67 भी जा सकती है, 66 भी जा सकती है, इसके अलावा 69 भी जा सकती है, मतलब कि एक या दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन लगभग मैंने आपको बता दिया, लगभग दोस्तों कट ऑफ मैंने आपको बता दी इतनी ही रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान हूं मैं या फिर आप भगवान हो या फिर और कोई भगवान है, फिक्स बता दिया आपको कि 70 जाएगी, कोई नहीं बता सकता, हम लगभग ही बता सकते हैं। तो मैंने आपको बता दी, यदि आपका स्कोर 65 से 68 है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस है, ध्यान से सुन लेना। क्यों? क्यों दोस्तों, मैंने आपको बता दा फर्जीवाड़ा भी चला है और एक सीट पर तीन बच्चों का कंपटीशन भी है, मतलब कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कट ऑफ तो बढ़ेगी, तो मैंने आपको बता दिया। ओबीसी में यदि आपके 63 से 65 नंबर है, ध्यान से सुन लेना, ओबीसी में 63 से 65 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 57 से 60 के बीच में, एक दो नंबर ज्यादा एक दो नंबर कम भी है ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 57 से 60 के बीच में है तो दोस्तों आपके पूरे चांस है सिलेक्शन के, ठीक है। एससी में यदि 54 से 56 के बीच में, मतलब कि हम कह सकते हैं एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यदि इतने नंबर है 54 से 56 के बीच में तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, ठीक है। आगे बताओ दोस्तों, एसटी में यदि 58 से 60 या 61 तक नंबर है, ध्यान से सुन लेना, 58 से 61 नंबर है आपके एसटी में तो तब भी आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि किसी के भी, ध्यान से सुन लेना, कोई से भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, यदि आपके कट ऑफ जो पेपर की कट ऑफ भैया उससे 5 से 8 नंबर ज्यादा है, ध्यान से सुन लेना, 5 से 8 नंबर ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना, कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है, ठीक है। यदि कट ऑफ से आपके 5 से 8 नंबर ज्यादा है ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 5 से 8 नंबर ही बढ़ेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आपकी कट ऑफ है इतनी बढ़ सकती है, ठीक है। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि फिक्स इतनी बढ़ेगी दोस्तों, यहाँ पर एक दो नंबर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कि 4 भी जा सकती है और इधर को 9 भी जा सकती है और 7 भी रह सकती है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ खोल के एक एक चीज बता दी। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है, वीडियो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, जिससे सबसे पहले आपको रिप्लाई मिल सके। चैनल पर यदि पहली बार हो तो
और सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। यदि आप भी तैयारी करना चाहते हो फ्री में, बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पर रोजाना लाइव क्लास चलने वाली है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फीमेल मेरे पास कमेंट करेंगे फीमेल की कट ऑफ की वीडियो कब आएगी, फीमेल की कट ऑफ की वीडियो भी दोस्तों आने वाली है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, जिसके भी एक दो नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, ध्यान से सुन लेना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जिसके भी कट ऑफ से एक दो नंबर ज्यादा है, पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई जारी रखना। कोई पता नहीं दोस्तों कट ऑफ ज्यादा चलता है, आप फाइनल मेरिट में बाहर हो जाओ, ठीक है। इस कारण से बोल रहा हूं अपनी पढ़ाई जारी रखना, जिसकी भी आप आगे तैयारी करना चाहते हो, एक दो नंबर जिसके ज्यादा है वो अपनी तैयारी जारी रखना। दोस्तों ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, आपके भले के लिए बताया, ठीक है। मेरा कुछ नहीं है इसमें, बहुत बोल रही होंगी कट ऑफ तो सिर्फ एक नंबर बढ़ेगी, दो नंबर बढ़ेगी, दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कंपटीशन भी है, आपको ये भी पता होगा, मैं नहीं बोल रहा, वो दिल्ली पुलिस बता रही है कि फर्जीवाड़ा भी चला है, ठीक है। तो कट ऑफ तो आपकी बढ़ेगी, सब कुछ मैंने खोल खोल के बता दिया। अब भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।